दरभंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले में कट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई जबकि 9 अन्य छात्र जख्मी हो गए। जख्मी छात्रों को जाले रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद जाले वीडियो और सीओ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उनको भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार स्कूल के लोहे के गेट में बिजली का तार सट गया, जिसकी वजह से वहां कट तोड़ गया और उसमें कक्षा 1 की छात्रा चंचल कुमारी पिता भरत झा आप की स्पर्श करने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कट इतनी तेजी से फैला कि इसमें स्कूल के 9 अन्य छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को आनंद फानंद में जाले रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसमें कुछ छात्रों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है। घटना की सूचना के बाद जाले के वीडियो और सीओ मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें भी घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। इस संबंध में प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही एक दुखद घटना हुई है, जिसमें अभी जानकारी मिली है कि जाले में जो स्कूल है उत्क्रमित मध्य जो उच्च विद्यालय बन चुका है, उसमें एक छात्र की मौत हुई और कुछ बच्चों को करंट लगने से सब अस्पताल में है और उनका ट्रीटमेंट जारी है और सेफ है अभी जितनी जानकारी मिल रही है। शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी फोर्स के साथ वहाँ पे गए हैं, पूरी जांच की जा रही है कि किस परिस्थिति में हुआ। अभी तक जो जानकारी प्राप्त है उसमें यह जानकारी मिली है कि जो गेट और प्रांगण में वॉल पे जो वायर जा रहा था उसमें लाइव करंट आने की वजह से शायद करंट लगा है, बट जांच के लिए गई भी है पूरी टीम, इसमें जांच होती है उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई। स्कूल प्रमाइसेस में ऐसी घटना इसका मतलब है किसी स्तर पे तो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल में हो या बिजली के स्तर से हो, तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच की रिपोर्ट जैसे ही आती है, अभी फिलहाल वहाँ के जो प्रधान अध्यापक है उनसे बात की जा रही है और पता कराया जा रहा है कि कौन इसमें दोषी है। अगर स्कूल प्रमाइसेस में होंगे तो संबंधित स्कूल में, नहीं तो बिजली विभाग का होगा तो उस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक जो सूचना मिली है एक छात्र की डेथ और 6 लोग घायल। श्री श्री 108 सीताराम नाम अष्टयाम यज्ञ के तीसरे दिन निकला महादेव की मनमोहक झांकी। दरभंगा जिला सिलवारा प्रखंड के बनौली पंचायत अवस्थी बनौली गांव के ब्रह्म स्थान के प्रांगण में श्री श्री 108 सीताराम नाम अष्टयाम यज्ञ का 17 मार्च से शुभारंभ हुआ है। इसी कड़ी में आज ग्राम वासियों एवं भक्तजनों के तत्वाधान में विशाल महादेव की बारात के रूप में जुलूस निकाला गया। वही लोगों ने इस बारात में भूत बनकर लोगों को आकर्षित किया, तो वही दूसरी ओर शंकर पार्वती एवं नंदी बनकर लोगों को खूब रिझाया। वही इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बनौली पंचायत के पूर्व मुखिया अनिल कुमार सिंह से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत वासियों के तत्वाधान में हर साल भव्य अष्टयाम का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 17 तारीख को ये यज्ञ शुभारंभ हुआ एवं आज 19 मार्च को प्रभु की बारात के रूप में भव्य जुलूस का आयोजन किया गया है। मेरे पंचायत में अष्टयाम हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमारे पूरे संपूर्ण ग्राम के वासी मिलकर इनके तत्वाधान में यह अष्टयाम का कार्यक्रम हुआ है। ये सलेस स्थान में हुआ था और मतलब पूरे समाज का तन मन धन मिल करके ये पूरा इसको अष्टयाम को सक्सेस बनाया गया। और कल रात में यहाँ राम सीता का विवाह हुआ। आज जो है महादेव पार्वती की शादी है, उसे में आज पूरा गांव मेरा हर्ष में डूबा हुआ है। इसमें लोग जितने भी हैं, बच्चे से बूढ़े महिला से लेके कदम में कदम मिला करके बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। आज अभी जो है प्रजेंट में ये महादेव और का जुलूस निकला है। अनिल सिंह, क्या है आप? एक्स मुखिया बनौली। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय प्रांतीय दौरा शक्ति धाम मंदिर के हॉल में बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। इसमें उनका स्वागत हुआ, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ तथा गणेश वंदना और स्वागत गान, समिति गानों का उच्चारण इत्यादि के बाद उनका मधुबनी पेंटिंग और दुपट्टे से स्वागत किया गया। अध्यक्ष किरण जी ने अपना स्वागत भाषण दिया। सचिव श्रीमती जागृति केडिया जी ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में उनका स्वागत किया। मंच संचालन का कार्यभार प्रीति अग्रवाल जी ने बहुत ही बखूबी निभाया। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारी शाखा की सदस्यों से कही। उनका एक ही कहना था, बुजुर्गों से हमें बहुत
कुछ सीखने के लिए मिलता है और युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। समाज में सारे कार्यों को करने के लिए युवा शक्ति ही हमारी शक्ति है। दूसरी आडंबर जहां तक हो सके वहां तक कम किया जाना चाहिए। समाज में बहुत सी आडंबर फैले हुए उसे कम करना चाहिए। उसके बाद हमारी प्रांतीय अध्यक्ष ने भी हमें बहुत ही कम और नफे तुले शब्दों में कितनी भी कठिनाई आए हमें अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसका मूल मंत्र दिया एक नई शाखा कंट्रोल का शपथ ग्रहण समारोह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा रतकोटिया जी के द्वारा करवाया गया। प्रांतीय स्तर पर जिन बच्चों ने सदस्यों ने प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया था उन्हें प्रांत के द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए। खून से होली खेली गयी। हमें मानवाधिकार में काम कर रहे दो समाज सेविका विकास शोभा शुक्ला जी एवं शिखा ठाकुर जी को सम्मान देकर उनका सत्कार किया। सभा का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। आज दरभंगा शाखा के 70 सदस्य ने उपस्थित होने को मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा। शहरवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ महिला नागरिक सम्मेलन का एक बहुत बड़ा संगठन हो रहा है और इसमें हम लोग को सहयोग के तौर पर पांच पांडव जैसे होते हैं वो जीत के आए थे, वैसे हमारी पांच बहनें मिलके शहर को सुधारने के लिए यहाँ आई हैं। इन्होंने जैसे बताया कि हमने प्लास्टिक का है, रक्तदान है, ब्लड डोनेशन है, ये जो इन्होंने जो संख्या बताई है, अगर इस तरह सब जागृत हो जाए, मारवाड़ी समाज हो या अन्य समाज हो, तो हमारा देश का कल्याण होते देर नहीं लगेगा। और जो अनदान है, अनदान पुराने जमाने चला आ रहे हैं, वो आज भी अगर लोग भूल गए थे उस परंपरा को, लेकिन आज वो जागृत करना चाह रही हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इन लोग के रास्ते पर अगर हमारे शहरवासी चल जाएंगे तो हमारा शहर को आगे बढ़ने में और नया शहर अच्छा तरक्की करने में देर नहीं लगेगी। शारदा लखोटिया, नेशनल प्रेसिडेंट, और आज हम लोग तीन दिन से निकले हुए हैं प्रांतीय दौरे। तो प्रांत में मैं अपने सचिव के साथ आती हूँ रेखा लखोटिया, और प्रांतीय अध्यक्ष है मीना तोदी जी, और प्रांतीय सचिव है रानी जी झुंझुनवाला। तो हम लोग जब निकलते हैं तो बहनों के साथ यहाँ हर शाखाओं में कोशिश करते हैं कि जाके उनसे हम मिले और उनका मार्गदर्शन करें। उन्हें कोई भी क्वेश्चन हो, उनकी कोई भी एक जानकारी के लिए वो लोग सोचते हैं कि हमें ये जानकारी चाहिए, उनका देते हैं। और प्लस हम लोग अपने पांच प्रकल्प के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। सभी बहनों को दिया गया है पांच प्रकल्प: जन जागरण, नेत्रदान, देहदान, अंगदान, रक्तदान, बाल विकास, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण। ये पाँच प्रकल्प के तहत सब शाखाओं में पांच प्रकल्प प्रमुख बनाया जाता है और प्रदेश से शाखाओं को गाइडलाइन दिया जाता है कि इसके तहत ये काम है। और मैं मीना तोदी, बिहार की प्रांतीय अध्यक्ष। हम लोगों का एक ही ध्येय रहता है कि जरूरतमंदों की हम कुछ न कुछ सहायता कर सके। हमारे बिहार में 41 क्लब्स हैं और 1250 मेंबर हैं हम लोग। सब जगह हमारी शाखाएं कोशिश में रहती है कि जरूरतमंदों की, आपने पूछा भी लड़कियों की शादी में, इस बार पूरे बिहार प्रांत में मिला के हम लोगों ने 36 लड़कियों की शादी में मदद की है। करीब 5 लाख रुपये का तो नगद मदद हुई है लड़कियों की शादी में। नगर निगम की टीम कर रही है कंपोस्टिंग के लिए सभी होटलों को प्रशिक्षित। बल्क वेस्ट जनरेटर को ऑन साइट कंपोस्टिंग किया जाना है। निगम की टीम द्वारा एक एक करके सभी बल्क वेस्ट जनरेटर का सत्यापन किया जा रहा है एवं अपने संस्थान में ही कंपोस्टिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपोस्टिंग आसान है। स्वच्छ दरभंगा, स्वच्छ सर्वेक्षण, हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2019 के अनुसार वैसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विवाह भवन जिनके द्वारा लगभग 100 किलो कचरा प्रतिदिन उत्सर्जित किया जाता है को ऑन साइट वेस्ट की प्रोसेसिंग हेतु स्वयं व्यवस्था करनी है। ऐसे बल्क वेस्ट जनरेटर प्रतिष्ठान के संचालक कर्मी को दरभंगा नगर निगम के विशेषज्ञ द्वारा आज प्रशिक्षित किया गया। नगर निगम की टीम कर रही है कंपोस्टिंग के लिए सभी होटलों को प्रशिक्षित। बल्क वेस्ट जनरेटर को ऑन साइट कंपोस्टिंग किया जाना है। निगम की टीम द्वारा एक एक करके सभी बल्क वेस्ट जनरेटर का सत्यापन किया जा रहा है एवं अपने संस्थान में ही कंपोस्टिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपोस्टिंग आसान है। स्वच्छ दरभंगा, स्वच्छ सर्वेक्षण, हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। स्वच्छता के साथ सौंदर्यीकरण के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार नागरिक संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। आज कर्पूरी चौक पर बैठने के लिए इंडियन बैंक के द्वारा CSR के तहत बेंच लगाया गया।
दरभंगा नगर निगम द्वारा इंडियन बैंक के सहयोग से अजंता स्वीट हाउस के सामने की गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट को सेल्फी पॉइंट के तौर पर डेवलप किया गया है। डॉ रामदेव झा एवं डॉ लक्ष्मीनाथ झा की स्मृति में विद्यापति सेवा संस्थान ने की श्रद्धांजलि सभा। अर्पण के आगामी अंक का प्रकाशन डॉक्टर रामदेव झा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर केंद्रित होने की घोषणा में थी। साहित्य जगत के मूर्धन्य स्तंभ रामदेव झा एवं MLSM कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा के देहावसान पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शुक्रवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित सभा में उपस्थित लोगों ने दिवंगत पुण्यात्माओं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की। मौके पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने दोनों महान व्यक्तियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की विस्तार से चर्चा करते हुए डॉक्टर रामदेव झा को जहां सरल व्यक्तित्व, विलक्षण कृतित्व एवं सामाजिक प्रवृत्ति का निष्णात विद्वान बताया, वहीं उन्होंने लक्ष्मी बाबू को प्रकृति संरक्षण का असीम अनुरागी करार दिया। मौके पर उन्होंने विद्यापति सेवा संस्थान की मुख्य पत्रिका अर्पण के अगले अंक का प्रकाशन डॉक्टर रामदेव झा विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने के साथ ही उनके अप्रकाशित पांडुलिपियों को संस्थान के द्वारा प्रकाशित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समुचित स्थल चयन होने के पश्चात अन्य विभूतियों की तरह डॉ रामदेव झा की प्रतिमा की स्थापना भी विद्यापति सेवा संस्थान करेगा। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कल कमलाकांत झा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पूर्णता हासिल करना रामदेव बाबू के जीवन का जहां मूल उद्देश्य था, वहीं लक्ष्मी बाबू प्रकृति एवं पर्यावरण से प्रेम करने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला आइकॉन एवं वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा ने कहा कि विभिन्न विधाओं में पारंगत रामदेव बाबू एक प्रबुद्ध साहित्यकार होने के साथ साथ एक कुशल रंगकर्मी भी थे। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, धीरामपुर, दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दे। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।